ये हो गया जो सियाचिन में जो सोल्जर रोड, देखो स्नो में जाने के लिए कितना खतरनाक है। सियाचिन बेस कैंप आना इजी नहीं है, ऑफ रोडिंग भी बहुत ज़्यादा है। ये जो पॉइंट देख रहा है इधर से, ये साइड चाइना का बॉर्डर है, ये साइड में पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर है। जो बुद्धा जी का स्टेचू है बहुत ही प्यारा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर। तो और एक नया ब्लॉग में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ये प्यारा सा कैंपिंग साइट से, जिसका नाम मैं भूल गया हूं, क्या नाम था? पीका कैंप। टू नाइट यहां पर स्टे किया और कल हम लोग चला गया था ठांग विलेज, और ठांग विलेज से रिटर्न आकर यहां पर ही स्टे किया। तो आज जाएंगे, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, आज का राइड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहा है, यानी मैं और मेरा बसंती जा रहा हूँ सियाचिन बेस कैंप। तो ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है मेरे लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज, और बहुत सारा चीज़ आप लोगों को देखने के लिए भी मिलेगा, जानने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए यहाँ से चलता हूँ निकल के, और मोटो ब्लॉगिंग में मिलता हूँ। आज का ब्लॉग शुरुआत करता हूँ ऊपर वाला का नाम से, यहाँ से डिस्किट पहुँच जाएंगे। डिस्किट में जो डिस्किट मोनेस्ट्री है और बड़ा वाला बुद्ध स्टेचू है वो विजिट करेंगे फर्स्ट टाइम, उसका बाद सियाचिन के लिए डायरेक्ट निकल के जाएंगे। और डिस्किट है यहाँ से 7 किलोमीटर सिर्फ। वो पहाड़ों में देखो राइट साइड में कितना बर्फ, आगे वाला में भी थोड़ा बहुत है। और कल जो लेफ्ट साइड में देख रहा है यहाँ पर ही हम लोग कैमल राइड किया था, और सोचा था कि एटीवी राइड भी करेंगे, लेकिन एटीवी राइड 3 बजे से शुरू होता है, हम लोग सुबह में आया था, इसीलिए दूसरा जगह ट्राई करेंगे, अगर एटीवी राइड होता तो दूसरा जगह में भी है, कोशिश करेंगे अगर टाइम मिल गया तो करेंगे। तो वेलकम टू डिस्किट मोनेस्ट्री। तो वो देखो बुद्धा जी का स्टेचू, और इसका हाइट है 106 फीट। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूं बुद्धा जी का स्टेचू में। तो मेरा वो पीछे साइड में देख रहा है बुद्धा स्टेचू, उसके पहले ये वाला जो व्यू है एक बार देख लीजिए, ये कितना प्यारा सा व्यू है। सो गाइस, फाइनली ऊपर आके पहुंच चुका हूं, पूरा टाइट हो गया। तो ये देखिए जो बुद्धा जी का स्टेचू है बहुत ही प्यारा है देखो। तो इसका हाइट हो गया 106 फीट, और ये है डिस्किट में, और वो साइड में देख रहा है डिस्किट मोनेस्ट्री। तो देखिए ये जो प्यारा सा बुद्धा जी का स्टेचू है। तो गाइस, जो डिस्किट का मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री तो विजिट नहीं किया, वो वाला मोनेस्ट्री था, और ये बुद्धा स्टेचू बहुत ही बड़ा है। तो अभी यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से खलसर में मिलेगा आप लोगों को, चलो। सो फाइनली वो पॉइंट मिल गया है जहाँ से हम लोग को अभी सियाचिन के लिए लेफ्ट लेना पड़ेगा, और राइट साइड जाने से लेह जा सकता है, और पेंगोंग का लेक के लिए थोड़ा जाकर लेफ्ट लेना पड़ेगा। और यही हो गया इस पॉइंट का क्या नाम है, इसे तो खलसर ही बोलता है, लेकिन खलसर यहाँ से जो मेन पॉइंट है थोड़ा दूरी में है, तो ये पॉइंट का नाम मुझे इतना पता नहीं है। सो यहाँ से सियाचिन वाला रास्ता का शुरू हो जाता है, और आगे में एक तो मस्त वाला ब्रिज है, मस्त वाला। ओ भाई साहब, क्या मस्त वाला। और सियोक रिवर देखो यार, बहुत ज़्यादा पानी है, और ये सब पानी पाकिस्तान में जा रहा है। चल बसंती, चल मेरा साथी, कल पाकिस्तान तक गया और आज जाएंगे सियाचिन तक, तो साथ देते रहो और दोनों साथ में जाएंगे। तो यहाँ का बात मिल जाएगा हम लोगों को, सबसे पहले मिल जाएगा सुमडोर, आई थिंक इसका बात मिलेगा सुमुर, 9 किलोमीटर है, उसका बाद तिरसा मिल जाएगा, उसका बाद मिलेगा पेनामिक, उसका बाद मिलेगा सासुमा, उसका बाद सासुमा मतलब किसका सासुमा मालूम नहीं, अगर मेरा सासुमा होने से तो सासुमा नहीं क्या सासोमा, हाँ सासोमा, सासुमा नहीं सासोमा। उसका बाद मिलेगा सियाचिन बेस कैंप। तो यहाँ से सियाचिन बेस कैंप 94 किलोमीटर बाकी है, तो बहुत ही 2 घंटा से थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा शायद,
दो घंटा या तीन घंटा लग जाएगा, क्योंकि हम लोग रुक रुक के जाएंगे और लंच भी करना है, क्योंकि अभी बारह बज गया। हम लोग का निकलने के लिए टाइम में ही थोड़ा लेट हो जाता है। और आज मतलब डिस्किट का मोनेस्ट्री भी विजिट किया था, इसीलिए भी थोड़ा टाइम गया। भाई साहब क्या व्यू है, देखो मौज दिख रहा है। थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा क्या है, चला जाएगा। क्या मस्त व्यू है। इधर में देखो पूरा पत्थर वाला प्लेन है ये जगह, और इधर साइड देखो पूरा ग्रीनरी, और ऊपर में साइड साइड में देखो पूरा पहाड़। और अभी स्पीड है 85, 86, 90, तो 90 स्पीड लद्दाख का यही टॉप स्पीड है मेरा 90। भाई मजा आ गया, लेकिन 90 में हूँ ऐसे लग ही नहीं रहा है। बहुत ही मतलब बढ़िया रास्ता है, रास्ता छोटा है लेकिन मस्त है, मस्त। आगे में पेनामिक पार हो गया, ऑफ रोडिंग मिलेगा बोला एक तो भैया जी ने, वो बोलेगा वहाँ पर मतलब कुछ हेल्प वगैरह भी नहीं मिलेगा पेनामिक क्रॉस करने के बाद, उसे खाली मिलेगा आर्मी वाला मदद करेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने से आर्मी वाला है। सो अभी पहुंच चुका हूँ सुमूर टाउन, ये हो गया सुमूर टाउन। आजा आजा, ये भी छोटा सा एक तो टाउन है, यहाँ पर भी मतलब होटल वगैरह कुछ कुछ है, रेस्टोरेंट भी है। और ये साइड में शायद बुद्धिस्ट आदमी ज़्यादा है, कल जैसे हम लोग गया था टुटुक साइड उधर खाली मुस्लिम आदमी। सो सुमूर से नेक्स्ट हम लोग का मिलेगा तिरछा, यहाँ से 14 किलोमीटर होगा सुमूर से, और उसके बाद मिलेगा पेनामिक, पेनामिक हो गया तिरछा से 10 किलोमीटर, तो पेनामिक यहाँ से हो गया 24 किलोमीटर। सो गाइस अभी बस तिरछा पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से 4-5 किलोमीटर जैसे बाकी है, और यहाँ पर एक तो बहुत ही प्यारा सा ब्रिज है देखो। और जस्ट थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुक गया था, और यहाँ का जो रिवर है एक बार देखो, बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये देखो। और ये साइड भी एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो ये साइड में भी देखो एक बार। और ये हो गया आगे में नुब्रा रिवर, वो जो रिवर है वो हो गया नुब्रा रिवर, तो नुब्रा रिवर है आगे में, और अभी हम लोग का साथ साथ ही जाएगा नुब्रा रिवर बहुत दूर तक। तो मज़ा आ रहा है राइड करके, और ऐसे प्यारा प्यारा जो चीज़ है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मस्त है मस्त। सो अभी पहुँच गया हूँ तिरछा विलेज में, ये विलेज भी थोड़ा बड़ा ही विलेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब यहाँ का हिसाब से ये बड़ा विलेज है। यहाँ से और 11 किलोमीटर जाने के बाद मिल जाएगा पेनामिक। अभी नुब्रा रिवर होता हम लोगों का पूरा बगल में आके पहुंच गया, नुब्रा रिवर नहीं बगल में आके नहीं पहुंच गया, हम लोग नुब्रा रिवर का बगल में आके पहुंच गया। ये देखो मतलब जब मई जून का टाइम में जब मतलब पहाड़ों से मतलब बर्फ पिघलता है उसका, उस टाइम पूरा पानी फुल हो जाता है ये रिवर में। अभी तो खाली ये साइड में है, वाह मस्त है मस्त। ये देखो सो पेनामिक पहुंच गया हूँ, पेनामिक का जो विलेज है अभी अभी क्रॉस किया, यहाँ से सासुमा है और 13 किलोमीटर। वेलकम टू सासुमा, कहाँ है मेरा सासुमा, आ जाओ आ जाओ। सो यहाँ पर रिकवरी पोस्ट था, तो यहाँ पर परमिट वगैरह चेक किया और एंट्री भी किया, तो यहाँ पर देखो सियाचिन वेरियस और 42 किलोमीटर है, तो कैमरा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये आर्मी एरिया है। सिर्फ और 40 किलोमीटर फाइनली पहुँचने वाला हूँ, और व्यू देखो माउंटेन देखो, मस्त है मस्त। वॉइस ऑफ
और थोड़ा थोड़ा फिर बारिश का बूंदे गिरना शुरू हो गया है। सो गाइस ये प्यारा सा व्यू, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, देखो कितना प्यारा है ये व्यू, मस्त लिख रहा है। और देखो नुब्रा रिवर, बहुत बड़ा रिवर है ये। ये पत्थर लोगों को देखो ना, पत्थर को देखो कैसे ऊपर ऊपर में, ये सब पत्थर सब ऊपर से गिरा हुआ पत्थर ऐसे लग रहा है, बस आइडिया से बोल रहा हूँ, लेकिन ऊपर से भी गिर सकता है क्योंकि ऊपर का पहाड़ भी पूरा पत्थर का ही है। सो अभी पहुंच चुका हूँ वारसी विलेज, ये हो गया वारसी विलेज देखो, और इसका एल्टीट्यूड है 11,447 फीट सी एल लेवल से। तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है देखो, और यहाँ पर प्यारा सा एक तो ब्रिज। बेस कैंप माइलस्टोन देखो 16 किलोमीटर, सिर्फ 16 किलोमीटर बचा है, आधा घंटा तो लग जाएगा आई थिंक, क्योंकि रास्ता छोटा है और ऊबर थबर है, तो आराम से जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कर्व है तो इसलिए स्लोली जा रहा हूँ, बस सेफली पहुँच कर सेफली रिटर्न आ जाऊँ, यही मेरा इच्छा है। ओहो ये पहाड़ों को देखो और इसके बगल में देखो रिवर को, भाई साहब ओ ये तो सही है यार, ओ मस्त है मस्त, क्या बोलूँ भाई, बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचा इसको बोलने के लिए। ये वाला रास्ता जितना हो सके मैं कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, भाई साहब ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, और ये मस्त वाला व्यू है जो कुदरत ने बनाया है, उसको एंजॉय करके जा रहा हूँ। बस आज का मंजिल थोड़ा सा दूर है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा दूर है थोड़ा सा, ओ ड्रीम्स कम्स ट्रू, यस टेक इट इजी, आराम से चले, यस मैं आराम से जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ आराम से जा रहा हूँ, और नेचर का जो कुदरत का करिश्मा है, ये जो ऊपर वाला का ऊपर वाला ने जो बनाया है इसको एंजॉय करके जा रहा हूँ, और जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है। ओ माय गॉड, फाइनली पहुँचने वाला हूँ, सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी है, ओ और वहाँ पर एक गेट दिख गया मुझे, और वो हो गया बेस कैंप जो दूर में दिख रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फाइनली बसंती तूने कर दिखाया, वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप, ओ माय गॉड, वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। तो जाने के टाइम में यहाँ से फोटो लेंगे, नो ड्रोन जोन, यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकता क्योंकि ये बेस कैंप है। तो यहाँ पर एक तो चेक पोस्ट था, यहाँ पर हम लोग अपना क्या एंट्री क्या क्या किया सब कुछ हो गया, फोन नंबर दिया, बाइक का नंबर दिया, सब कुछ दे दिया, और हम लोग पहुंच गए हूँ अभी सियाचिन बेस कैंप। सपना था कि एक दिन इधर आएंगे और फाइनली आज आ गया हूँ, ड्रीम्स कंप्लीट हो गया। सो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ सियाचिन बेस कैंप में, और वहाँ पर है बसंती क्या क्या बाइक गाड़ी पार्किंग वहाँ पर है, तो यहाँ पर ही पार्किंग करके अभी हम लोग वहाँ तक जाना पड़ेगा, वहाँ पर
सेल्फी पॉइंट है जो सियाचिन बेस कैंप आई लव सियाचिन ऐसे कुछ लिखा हुआ है शायद। वहाँ पर एक तो मंदिर है, एक म्यूजियम है, वो सब चीज़ दिखाएंगे। और जो व्यू है एक तो साइड में देख लो, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो ऊपर जाएंगे और बहुत कुछ बात करना है तो बात करेंगे, चलो ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऐसे करके घूम घूम कर ट्रैक करके जाना पड़ेगा। सो गाइस अभी काफ़ी ऊपर रखे पहुँच गया। उधर देख रहा हूँ वहाँ पर बाइक पार्किंग करके रखा है, और हाँ आधा आ गया था, उसके बाद देखा कि चाबी भूल गया, फिर चाबी निकाला फिर आया और अभी पहुँच गया वार मेमोरियल में। ये हो गया सियाचिन का वार मेमोरियल। तो यहाँ पर बहुत सारा हम लोगों का जो वीर जवानों का नाम लिख के आया है। सांस फूल गया यार, ये वार मेमोरियल ना, तो ये देखो, तो एक बार पकड़ो। तो यहाँ से सभी जवानों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। तो सियाचिन जितना वॉरियर्स है उन सभी के यहाँ पर नाम लिखा है, और अमर जवान, ये लोग सब अमर जवान हैं। तो अभी पहुँच गया हुआ एक था दूसरा एक पॉइंट में। तो यहाँ पर लिखा है सियाचिन सोल्जर्स मेकिंग ऑफ द सियाचिन वॉरियर। तो वो आगे में कोई क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चढ़ाई करना पड़ रहा है ना, मेरा पूरा फट गया है। और यहाँ का जो सोल्जर है उन लोगों को सैल्यूट, कि मेरा इतना खाली देखने के लिए आया उसमें फट गया है। उन लोग कितना ज़्यादा मतलब मेहनत करता है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक तो है देखो, ये हो गया स्नो में जाने वाला, क्या बोल रहा है इसका नाम मालूम नहीं है। इसका चारों साइड में से एक तो व्यू दिखा देता हूँ, ये हो गया। दूसरा वाला एक तो भी है, उसको भी देख लो, ये हो गया। और इसका नाम क्या है नहीं पता, ये तो बर्फ में जाता है ना। तो ये नेक्स्ट मिल गया इधर, आई लव सियाचिन। इधर में देखो आई लव सियाचिन लिखा है। तो पहले वीडियो उसके बाद फोटो लेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सियाचिन का जो हम लोग सोल्जर है उन लोगों का जो ड्रेस वगैरह है वो सब दिखाया है। ये हो गया जो सियाचिन में जो सोल्जर रहता है उन लोगों का ड्रेस वगैरह। ये देखो स्नो के लिए ऐसे पहन रहा है, वो देखो सब कुछ छोटो सामने से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, ये देखो स्नो में जाने के लिए। और इसका शूज देखो स्नो में जाने के लिए कितना खतरनाक है। तो यही था हम लोगों जो सोल्जर है, सोल्जर का जो ड्रेस है। प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ पर आके पहुँच गया। जय हिंद। सो गाइस बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों को दिखाया फोटो टू भी क्लिक किया। और जो मौसम में देखो, तो अभी कुछ बात कर लेंगे यहाँ का बॉर्डर वगैरह में। ये जो पॉइंट देख रहा है इधर से, ये साइड चाइना का बॉर्डर है। चाइना का बॉर्डर ये पहाड़ से उस पार में है, कोई बॉर्डर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर में ऐसे में चाइना का बॉर्डर है। और हम लोग का इंडिया का बंकर वगैरह कैंप वगैरह भी बहुत सारा है। और ये साइड में, ये पहाड़ों से ये साइड में पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये भी ये पहाड़ में नहीं है, ये पहाड़ से उस पार में है, जैसे 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का दूरी में। और क्या बोलो, बहुत थक गया।
को थोड़ा सा जाएंगे उधर तक, बेउर वहाँ पर क्या है म्यूजियम है तो, तो इस बार में भी ऐसा है। और ये पूरा का पूरा चीज़ हो गया जो हम लोग का इंडियन आर्मी का बेस कैंप। तो खुद को आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इतना दूर से आके हम लोग का जो इंडियन का आर्मी का बेस कैंप है सियाचिन बेस कैंप यहाँ पर आके पहुँच गया। और सबसे बड़ा बात अभी तो बहुत अच्छा है, ठंडा का टाइम में सब बर्फ से जम जाता है। और आप लोगों को पता है कि सबसे मुश्किल इंडिया के आर्मी वाला के लिए सियाचिन बेस कैंप ही है जो -50 डिग्री से भी ऊपर हो जाता है। वहाँ वो लोग बहुत मुश्किल से गुजरता है यहाँ पर, और हम लोग का देश का सुरक्षा करता है। तो इसका वजह से सभी को एक ग्रैंड सलूट। और यहाँ पर एक तो माइल स्टोन देख गया, यहाँ पर देखो बेस कैंप 0 यहाँ पर लिखा है। जो पटमपुरा हम लोग 0 बेस कैंप में आके पहुँच गया हूँ। तो अभी आके पहुँच गया हूँ, म्यूजियम कहाँ पे है शायद मालूम नहीं। और वहाँ पर एक तो मंदिर भी है, और यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ सियाचिन, जो सियाचिन का हिस्ट्री है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। तो अभी मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, फोटो क्लिक कर लेता हूँ और आप लोग को स्क्रीनशॉट दे दूँगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लेना। सिया रोसेस, यहाँ पर कुछ फूल वगैरह भी मिल जाता है, ये तोड़ने के लिए मना है, तो उसका भी फोटो ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ है अबाउट सियाचिन, तो सियाचिन के बारे में कुछ यहाँ पर भी जानकारी है। ये देखो फ्लावर्स का, और व्हाई इट इज़ कॉल्ड थर्ड पोल। तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार के पढ़ाई कर लेना। हम लोग अभी है वो वाला हो गया बेस कैम्प जो पत्थर दिया है बेस कैम्प। हम लोग ये रास्ता से आया था, ये सुमूर सोसुमा वारिसी और बेस कैम्प पहुँच गया। तो ये साइड में है, ये देखो ये जो इधर से ये वाला जो लाइन दिखाया है ये साइड हो गया पाकिस्तान का, है कि नहीं। हाँ, ये बॉर्डर हो गया पाकिस्तान का। तो यहाँ पर टियाक्सी तुटुक, कल हम लोग यहाँ तक गया था, ये जो पॉइंट है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया वहाँ तक गया था, थंग विलेज, समझ गया। और ये डिस्किट, ये रास्ता से कल हम लोग गया था, ये हो गया सियोक रिवर और ये वाला हो गया नुब्रा रिवर। और यहाँ से ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है, ये ब्लैक वाला लाइन का इस पार हो गया ये चाइना। तो ये बहुत ही खास चीज़ है देखने के लिए मिला। तो वो अंदर जाएंगे, अंदर में क्या है, ये एक तो म्यूजियम है, तो म्यूजियम का अंदर में जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। सियाचिन द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड, आप लोग समझ गया सर। क्लोज है क्या अभी, ये क्लोज है। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लो, बाहर से थोड़ा दिखा देता हूँ, अभी ये क्लोज है, शायद कितना बजे तक खुलता है मालूम नहीं। तो जो अंदर से थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाहर से ही थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, तो आप लोगों को बहुत कुछ दिखा दिया। और वहाँ पर एक तो मंदिर भी है, और यही देख लो सियाचिन बेस कैंप। तो जितना हो सका दिखा दिया, और साइड साइड में बहुत सारा कैंपिंग कैंप वगैरह है, तो वो सब मैं वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग का सेफ्टी का वजह से वो नहीं लेना चाहता। तो अभी यहाँ से निकल के चला जाएंगे, चलो फिर बाइक के ऊपर मिलता हूँ। अभी यहाँ से निकल के चला जाता हूँ, जय हिंद, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और हम लोग पैनामिक तक जाएंगे शायद आज, यहाँ से 68 किलोमीटर है पैनामिक, और अंधेरा भी होने वाला है। और देखो ऊपर ऊपर में पूरा बर्फ़ जमा हो गया है, हम सोचा नीचे में बर्फ़ मिलेगा लेकिन नहीं मिला, ऊपर पहाड़ों में देखो पूरा बर्फ़ है। तो वो गेट में एक दो ठो फोटो ले लेंगे, उस टाइम नहीं लिया था। तो यही था गेट, थैंक्स विजिट अगेन, श्योर और एक बार आऊँगा। तो यहाँ पर फोटो हो जाए, सो गेट में फ़ोटो तो क्लिक कर लिया और अभी जा रहा हूँ। तो आने के टाइम में ये रास्ता का बहुत सारा आप लोगों को व्यू दिखा चुका हूँ, तो अभी और नहीं दिखाएंगे, जहाँ पर स्टे करेंगे शायद पैनामिक में ही स्टे करेंगे। तो चलो
और डायरेक्ट पैनामिक में मिलता हूँ, क्योंकि ये सेम रोड है तो सेम रोड का क्या इतना कुछ दिखाएंगे। तो चलो बाय बाय। सो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुका हूँ पैनामिक में, और यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए एक ही लाइट है। मतलब नया होम स्टे है और हम लोग भी बोहनी कर रहा है इसका, इसीलिए थोड़ा और थोड़ा सा हम लोग क्या कुछ करके मतलब मोबाइल चार्ज के लिए कुछ ज्वाइन वाइन कर दिया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास था और थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हुआ आज, मतलब मज़ा आ गया यार। और बसंती का परफॉर्मेंस एक नंबर, तो मज़ा आ गया। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बोलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर कहीं पे अगर ख़राब भी लगा तो बोल दीजिए कमेंट करके कि ये चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्ती में रहिए। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।